मंजू आई क्या? अभी आ रहे हो क्या? हाँ। रुको रुको रुको, मैं उठाता हूँ। नहीं पिया भैया। संभल के रखो इधर। चाय पियोगे क्या? हाँ। अरे मालिक, दो कटिंग भेजिएगा। भेजता हूँ, दो कटिंग दो उधर। माँ मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटी। गुड मॉर्निंग ब्रदर, चाय पी लो। मंजू भाई। क्या बहन? क्या आप ये लेटर राहुल को दे देंगे? अच्छा बहन, दे दूंगा। हाँ क्या हुआ? अरे जग्गू, जेब में एक दमड़ी भी नहीं है। जेब भी खाली, पेट भी खाली, क्या बताऊं, बड़ी भूख लगी है यार। दत तेरी तो, सुबह हो ही नहीं कि तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं। एक काम करो। अरे यार वही तो ढूंढ रहा हूँ कब से। जो कहता हूँ वो सुनो। उस काका की दुकान के सामने जाकर आसमान देखते खड़े हो जाओ। हाँ। मैं कुछ आइडिया लगाता हूँ। गधे की औलाद, ये धर्मशाला नहीं। गधे की जैसे खाते रहते हो बकरा असुर। चलो काम करो। तुम्हारे जैसा नौकर रखा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नमस्ते मालिक। मन्नू यहाँ आया क्या? मुझे पता नहीं जग्गू। एक चाय दो ना। अरे जग्गू, पुराना हिसाब चुकाया नहीं और तुम चाय मांग रहे हो, शर्म नहीं आती है? आपकी चाय नहीं चाहिए मुझे। मन्नू आया तो उसे कहना उसके गांव से 3,000 रुपए का मनी ऑर्डर आया है। बेचारा सुबह से पोस्टमैन मनु का इंतजार कर रहा है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे जग्गू, मेरे कहने से तुम नाराज हो गए क्या? नहीं, नहीं। माधो, जग्गू के लिए स्पेशल चाय पिलाओ। चाय वगैरह बाद में पिलूंगा। नाश्ते में क्या है? गर्मा गर्म पुलाव है। अच्छा एक 4 प्लेट फटाफट दे दो। तुझे कभी ना कहा है क्या मैंने? कैसा है जग्गू? वो मनु को मेरा पुराना हिसाब चुकाने के लिए थोड़ा प्यार से समझाओ ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक। मनी ऑर्डर का पैसा उसके हाथ में आते ही पुराना बैलेंस चुकाने के अलावा आपके पास 500 रुपए एडवांस जमा भी करवा दूंगा। इतनी मेहरबानी करो यार, एक खाओ। नमस्ते शंकर भैया। नमस्कार। अरे रे 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 रे, देख उस टकले को मैंने अच्छी तरह पटा लिया है। अब तुम जाकर पेट भर खाना खा लो। वो मुझे खिलाएगा क्या? तुम इसकी फिक्र मत करो। देख अगर वो टकला मनी ऑर्डर के बारे में पूछे तो पोस्टमैन का नाम बताकर वहां से निकल जाना। अच्छा? ऐसा ही करूंगा। ओके यार, गुड लक। थैंक यू यार। नमस्ते मालिक। ओ अरे मनु, आओ आओ आओ। मालिक एक कटिंग चाहिए। अरे चाय क्यों, तो स्पेशल गर्मा गर्म पुलाव बनाया है, थोड़ा टेस्ट तो कर लो। खाओ। अरे मनु, तुम्हारे नाम पर 3,000 रुपए का मनी ऑर्डर आया है, ऐसा अभी अभी मुझे जग्गू ने बताया है। तुम पोस्टमैन को मिले नहीं क्या? मिल लूंगा। मक्खन मक्खन। मनु, मेरा पुराना बाकी था ना, उसे। अरे मालिक कितना है बताओ, सब चुका दूंगा मैं बैलेंस। अरे मालिक, तुम्हारे होटल को पेंट वेंट कराओ ना, तभी तो ग्राहक आएंगे, व्यापार बढ़ेगा। कैसे पेंट करूं मनु भाई, मेरे पास अब पैसा कहाँ है? अरे पैसे की चिंता छोड़िए ना, मुझे 3,000 रुपए आए हैं ना, उसमें से 2,000 रुपए तुम्हें दे दूंगा, तुम रख लेना, उसे वापस देने की भी जरूरत नहीं, मेरे हिसाब में एडजस्ट कर लेना। इतना कर दो मनु भाई, बड़ी मेहरबानी होगी। चलता हूँ। चाय? चाय नहीं चाहिए, बाद में मिलूंगा। लोग कुछ भी कहें, मनु और जग्गू है बड़े अच्छे। अब खुश हो ना? अब पेट तो भर गया जग्गू। जग्गू अब दो दम मारे तो जिंदगी सफल हो जाए और आज का कार्यक्रम खत्म। शंकर भाई। हाँ? दो किंग साइज सिगरेट देना। हाँ? क्या बोला? किंग साइज सिगरेट? हे, पिछला हिसाब चुकाया नहीं और सिगरेट पे सिगरेट मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे सिगरेट नहीं दे सकते तो सीधा सीधा मना करो, बेकार में भड़कते क्यों? मैं बहुत सेंटिमेंटल हूँ। अबे जा, बड़ा सेंटिमेंटल। अरे पहले पैसे रख, बाद में ऐश कर।
तुम सिगरेट नहीं दे सकते हो ना, तो बीड़ी दे दो। बीड़ी चाहिए? देता हूँ, रुको, आ गए फुटकर छाप। अरे भाग 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 भागो। पढ़े लिखों को अगर नौकरी मिलती तो हमारे देश की कभी ये हालत ना होती। निकाल रहे हफ्ता, चल निकाल। अबे देखता क्या, निकाल चल। चल निकाल, क्यों रे अंधे, इतना ही? हाँ भाई, इतना ही है भाई, आज धंधा ज्यादा नहीं हुआ भाई। भाई अब बड़े लोग ही ऐसा करेंगे तो हम जैसे लोगों का क्या होगा भाई, हमारे पेट पर लात मत मारिए भाई। पेट पर नहीं अंधे, सिर पर मारूंगा। साले ज्यादा मुंह खोला तो यहाँ से पत्ता कट कर दूंगा तेरा। हट पे साले। अबे बाप मंदे, भैया वो राड़ का पिल्ला जगपति है ना, उसके जेल जाने के बावजूद भी उसके नाम से हफ्ता वसूली करना बंद नहीं हुआ। जब हमारे प्रदीप साहब थे ना, ये सब नहीं होता था। उस जगपति को लात मार के अंदर करवाया था हमारे प्रदीप साहब ने। जब प्रदीप साहब थे यहाँ, यही गुंडे कुत्ते की तरह दुम दुमा कर किसी कोने में पड़े थे। ऐसे जावांज ऑफिसर को हमारी सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। अब किसी कामचोर ऑफिसर को इधर अपॉइंट करने से हमारी हालत बिगड़ गई है। नहीं शंकर भाई, ये गुंडागर्दी अभी और बर्दाश्त नहीं होती, कुछ तो करना ही होगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते मंजू भाई, गरीब के गुस्से को दमड़ी की कीमत नहीं। ये कहावत सुनिए ना, पुलिस ही इन कमीनों से मिली हुई है, हम क्या कर सकते हैं। ए जी सुनिए जी। क्या है? हमारी बेटी अब सयानी हो गई है, इस साल उसकी पढ़ाई भी बुरी हो जाएगी। उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है या हमेशा की तरह लॉटरी देखते बैठोगे? ये लॉटरी मैं यूं ही नहीं देख रहा हूँ, बस बम्पर लग जाए तो शादी कर देंगे उसकी। बम्पर के भरोसे रहे तो वो कुंवारी रह जाएगी। क्यों जी, ये लॉटरी के पीछे पड़ के लाखों रुपए आपने गवा दिए ना। और क्या कर सकता हूँ मैं, बचाया हुआ सब पैसा इसकी शादी में खर्च हो गया, और ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 1-2 लाख दहेज के बिना शादी नहीं होती। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊं? सुनो, हम जैसों के लिए बम्पर ही भगवान है, इसीलिए मैं सभी राज्यों के लॉटरी टिकट लेकर आया हूँ। एक न एक दिन तेरे पति को इस लॉटरी का बम्पर टिकट जरूर लग के रहेगा। ठीक है ठीक है, तुम बड़े हुए लेकिन बुद्धि नहीं बड़ी। मुझे उस बात की याद आते ही नींद उड़ जाती है, मेरे दर्द को आप कभी नहीं समझोगे, अब तो भगवान ही हमारा रखवाला है। इसीलिए तो शुक्रवार को लक्ष्मी का नाम लेकर मैं रिजल्ट देख रहा हूँ। देखो, मनुष्य को हमेशा विश्वास कायम रखना चाहिए, विश्वास न हो तो भगवान भी रक्षा नहीं करते। कौशल्या, ये कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे श्वेता को एक अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। क्या मंजू भाई, कोई बम्पर है मेरे लिए? हाँ है ना। क्या है? स्पेशल बम्पर ऑफर है तो दो ना। लाओ दो। ओके थैंक यू। ताज़ा खबर, ताज़ा खबर,
तीन दलितों के बंधु सज्जन राम को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। आज शाम को शपथ विधि का कार्यक्रम है। ताजा खबर, नए मुख्यमंत्री के पद पर सज्जन राम को चुन लिया गया है। नया मुख्यमंत्री सज्जन राम, आज की ताजा खबर। संजय वाणी, नए मुख्यमंत्री पद के लिए सज्जन राव का शपथ विधि कार्यक्रम। पढ़िए सर, आज की ताजा खबर। ये लीजिए सर, लाओ पैसे दीजिए। दिया ना। नए मुख्यमंत्री पद के लिए सज्जन राव का शपथ ग्रहण। गरीबों के नेता सज्जन राव मुख्यमंत्री जी, गरीबों के नेता सज्जन राव जी मुख्यमंत्री अधिकार का ग्रहण कर रहे हैं। पढ़िए संजय वाणी, पढ़िए सज्जन राव मुख्यमंत्री। सज्जन राव मुख्यमंत्री। ए संज्ञा, इन अखबार वालों को और कोई खबर नहीं मिली क्या? जिस अखबार में देखो सज्जन राव की ही न्यूज छपी है। हमारे घर के अखबार को तो हम फाड़ सकते हैं, लेकिन सारे देश के अखबार को हम फाड़ सकते हैं क्या गुरुजी? सारे देश के अखबार को फाड़ नहीं सकते, तो भी उस सज्जन राव की अच्छाइयों को, उसकी मान मर्यादा को झटका देकर उसे बर्बाद तो कर सकते हैं। सारी दुनिया उसे दुर्जन राव पुकारेगी और उसके मुंह पे थूकेगी। ऐसा कुछ करूंगा, देखते रहना। लेकिन आपका सज्जन राव से इस वक्त दुश्मनी मोल लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये मेरी सोच है, अगले हफ्ते मेरा मंत्रिमंडल बन रहा है, उसमें कहीं एक चांस मिलने की उम्मीद है मुझे गुरुजी। ए संज्ञा, तू एक बुद्धू की औलाद है रे। सज्जन राव के मंत्रिमंडल में हमारा शामिल होना नामुमकिन है। उधर उनके आदमी सब मिनिस्टर बन जाएंगे, हमारे आदमी सब चपरासी बनेंगे। इसे लिख के रखना। वो कैसे आप इतनी गारंटी से बोल सकते हैं? उस बुद्धू की औलाद को भी 25 साल से देखते आया हूँ। वो आज भी राजनीति के लायक नहीं है, क्योंकि वो न खुद खाता है न खाने देता है। इस मुख्यमंत्री के पद पर टिके रहना है तो खाना खिलाना ही पड़ता है, समझे? नहीं तो सिर्फ 6 महीने में ही। इसे लिख के रखो। सज्जन राव का इस राज्य में बहुत नाम है गुरुजी। संज्ञा, राजनीति में किसी की बदनामी और बर्बादी करना हो तो दुश्मन के साथ ही रहकर पब्लिक में उसको प्रशंसा करते रहो, मगर पीठ पीछे उसकी बेइज्जती करते रहो। ये तेरे लिए प्रथम पाठ है, समझा? तो गुरुजी मिलाओ हाथ। आलू मटर और पाव किलो भिंडी दो। नमस्ते मंजू भाई। नमस्ते जग्गू भाई। मंजू भाई, हमारे एरिया में सीएम पद यात्रा पर आ रहे हैं। सीएम के सम्मान के लिए सबसे मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ, तुम्हें 500 रुपया दे दो। अच्छा जग्गू भाई, ये लो। ओ नमस्ते मालिक, आप भी दो। ये क्या नया धंधा है तेरा? नहीं, मैं चंदा नहीं दूंगा। क्या कंजूस आदमी है। क्या पैसा पेड़ पर उगता है क्या? मंजू भाई, तुमने क्यों दिया चंदा? ऐसा नहीं मालिक, वो बेचारा क्या करेगा, पढ़ा लिखा है, काम धाम भी नहीं है, कुछ तो करना पड़ता है ना। वैसे भी सज्जन राव हमारे एरिया के MLA है, मुख्यमंत्री बनकर वो पद यात्रा पर आ रहे हैं। मंजू भाई, उसके नाम पर पैसे वसूल करके उसकी बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग। उसने तो ऐसा नहीं कहा ना, इन लोगों का सम्मान करने के लिए समझा करो मंजू भाई। प्रिय सज्जन गणों, तुम्हारी समस्याओं को जानने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सज्जन राव यहाँ खुद पधार रहे हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, निसंकोच निडर होकर निवेदन कर सकते हैं, वो उसको हल करेंगे। आप लोगों को तन मन से हमें सहयोग देना है, ऐसी मैं विनम्रता से विनती करता हूँ। जय हिंद। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। ओ, प्रशांत जी, क्या खबर है? कैसे हैं आपके CM? हाँ, वो तो बड़े मजे में है। कल वो इधर पदयात्रा पर आ रहे हैं। इस स्वागत समिति का अध्यक्ष उन्होंने सर्वानुमति से आपको ही चुना। क्या कहा? मुझे उसका स्वागत करना होगा? तुम्हारे लिए वो CM होगा, मेरे लिए तो वो एक सामान्य विद्यार्थी है। वो चाहे तो खुद ही आकर मुझसे मिले, मैं क्यों जाऊं उसका स्वागत करने? क्या समझता है वो खुद को, CM होगा अपने घर का? शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। गुरुजी, आप उम्र में हमसे बड़े हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। और वो CM के नाते पहली बार उनके क्षेत्र को भेंट दे रहे हैं, इधर की जनता की आपकी कोई समस्या हो तो बता सकते हैं ना। मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है, अगर हो तो भी तुम्हारा CM उसे टाल नहीं सकता। सुनो, मैंने महात्मा गांधी जी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर इस महान देश को हमने आजादी दिलवाई है।
आपके सीएम को अगर कोई समस्या हो तो उसे कहो वो ही मेरे पास आए। आपकी मर्जी। वैसे कितने बजे आएगा वो सज्जन राव? ठीक 10 बजे आएगा। अब हम चले। अच्छा, हमें आज्ञा दीजिए गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव। आपके सज्जन राव को भी आगे बढ़ाने वाला कोई है ये आज पता चला है। सिर्फ पता चलने से कुछ नहीं होता, संगमेश पेड़ को खाद और पानी डालकर बड़ा करना होगा। आज नहीं तो कल ये फल देगा ही देगा। गुरुदेव मिलाओ आप। मुख्यमंत्री सज्जन राव की जय हो। सज्जन राव की जय हो। मुख्यमंत्री सज्जन राव की जय हो। सज्जन राव जी की जय हो। गरीबों के नेता सज्जन राव जी की जय हो। मुख्यमंत्री सज्जन राव जी की जय हो। सज्जन राव जी की जय हो। सज्जन राव जी की जय हो। मुख्यमंत्री सज्जन राव जी की जय हो। गरीबों के नेता सज्जन राव जी की जय हो। गरीबों के नेता सज्जन राव जी की जय हो। गरीबों के नेता सज्जन राव जी की जय हो। गरीबों के नेता सज्जन राव जी की जय हो। दलित बंधु सज्जन राव जी की जय हो। मुख्यमंत्री सज्जन राव जी की जय हो। मुख्यमंत्री सज्जन राव जी की जय हो। 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 भट्टी कैसा चल रहा है धंधा पानी? आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है मुख्यमंत्री जी। मंजू भाई कैसे हो? सब आपकी दया है साहब जी। पहले मैं भीख मांगा करता था, अब इज्जत से दो वक्त की रोटी कमा कर जी रहा हूँ मैं। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, हम कुछ नहीं किए, सब आपकी मेहनत का फल है। आपसे मेरी एक विनती है साहब जी। हाँ हाँ बोलो। वो जगपति के आदमी आज भी हमसे हफ्ता वसूल करके हमें परेशान कर रहे हैं। हाँ महाशय, उनसे हमें बहुत तकलीफ है। जगपति वो अब इधर कहाँ है? वो तो बहुत दिन से जेल के अंदर है। वो अंदर जरूर है लेकिन उसके चमचे बाहर है। मिस्टर रमेश इसके बारे में आपको जानकारी है क्या? किसी ने कम्प्लेंट ही नहीं की सर। साहब मैंने खुद ही तो आपको बताया था ना। आपने रिटर्न कंप्लेंट तो नहीं दी है ना? रिटर्न कंप्लेंट को छोड़िए, इस बात को आप जानते हैं ना, आपने एक्शन काहे नहीं लिया? मंजू भाई अच्छा किया आपने जो ये बात हमको बताई, मैं इस बात पर एक्शन लूंगा। प्रशांत जी, हाँ जी। नारायण राव जी के घर चले का? वही इस स्वागत समिति के अध्यक्ष है मुख्यमंत्री जी। लेकिन वो कल ही गाँव चले गए, उनके रिश्तेदार की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा फिर कभी आएंगे। अच्छा अच्छा चलिए चलिए। नमस्कार मंजू भाई। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते महाशय। मुख्यमंत्री सज्जन राव जी की जय हो। मुख्यमंत्री सज्जन राव जी की जय हो। मुख्यमंत्री सज्जन राव जी की जय हो। जग्गू पहले तो सिर्फ विनायक पूजा रामनवमी से हमें कमाई हुआ करती थी, अब काफी इम्प्रूवमेंट हो गई यार। सीएम की पद यात्रा से अच्छा कलेक्शन हुआ है। अब जरा सबका हिसाब किताब तो बताओ। सब मिला के 620 रुपए कलेक्शन हुआ है, उसमें माला मिठाई और ऑटो सब मिला के 350 रुपए खर्चा हुआ है। हाँ। बाकी 200 रुपए बचा है। हाँ, चोर साले वो माला सब दोबारा बेचा ना, उसका हिसाब कहाँ है? वो हाँ वही 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 बताओ। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो उस दिन सुबह सुबह नाश्ता किया था ना, वो इसी में से दिया था। टोपी बड़ा अच्छा पहनाते हो तुम यार, बहुत भूख लगी है, चल उस टकले के होटल में जाकर ताजा ताजा खाना खाते हैं। यार यार आज अच्छे खासे पैसे बचे हैं, आज अपन मस्त चिकन मटन खाएंगे उस टकले के होटल में। रोज रोज खाना खाकर जबान करेले जैसी कड़वी हो गई यार। ठीक बोला यार, चल दबा के खाएंगे। हाँ, चल। अरे रुक यार, ए जग्गू वो हमारे लॉटरी वाले भुजंग भाई की बेटी है ना? देख वो बेटी है तो उसका कोई ना कोई तो बाप होगा ही ना यार। ठीक बोला यार तू, हमें क्या करना है चलो ना। दरअसल मेरा मतलब ये था यार, हम कब ऐसा लव करेंगे यार? ए आईने में अपनी सूरत देखिए। क्यों? देख प्यार करने के लिए हिम्मत चाहिए, नहीं तो पैसा चाहिए, हमारे पास दोनों भी नहीं है। खामखा ऐसे लवर्स को देखकर लार क्यों टपकाते हो? अबे मजनू अब चल। आया बड़ा। राहुल हमारी ये शादी हमारे घर वालों को मंजूर नहीं है, तुमने इसके बारे में कुछ सोच रखा है? श्वेता इसमें सोचने की क्या बात है, या तो प्यार करना नहीं और किया तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? हम घर से भाग के रजिस्टर मैरिज करेंगे क्या? क्यों भागना चाहती हो, थक जाएंगे। मेरे पिताजी ने कानिटे खोंडा किस लिए दी है, उससे फुर हो जाएंगे। ओके ये क्या हमेशा मजाक करते हो, थोड़ा सीरियसली सोचो ना। सोचने बैठेंगे तो प्यार कब करेंगे, देखो हम तो प्यार करेंगे, सोचने के लिए है ना मेरे माँ बाप, वो सब देख लेंगे। कम ऑन। फिर
आ गए ना ये लोग, हफ्ता खाने वाले कुत्ते। ए, निकाल चल चल निकल। क्यों बे अंते, बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या? हफ्ता नहीं देगा क्या तू? अपनी मेहनत का पैसा नहीं दूंगा, क्या कर लेगा? देता है कि नहीं? नहीं दूंगा कहा ना। क्यों नहीं देगा? वो इसलिए क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को हफ्ता देने के लिए मना किया है। अब ये तुम्हारा खेल नहीं चलेगा, एसीपी को सब कुछ बता दिया गया। इस एरिया में मैं ही एसीपी, मैं ही डीसीपी, समझे क्या? हेलो, बड़ी मेहरबानी की साहब। मंजू भाई चलो हॉस्पिटल जाएंगे। ये सज्जन राव
हमारे गुप्त स्कैंडल्स को बाहर लाने के लिए इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट कर रहा है ना गुरुजी। इसी बात पर तो मैं भी बहुत चिंतित हूँ संज्ञा। वो हमें समाज और राजनीति से दूर हटाना चाहता है। सभी प्रमुख पदों पर ईमानदार अधिकारियों को बैठाकर हमारे सीने पर कुल्हाड़ी से घाव कर रहा है। हाँ क्यों बे, क्या हुआ? और ये तुम लोगों के थोबड़े पे 12 क्यों बजे हैं? क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? सर, हमारे एरिया में एसीपी प्रदीप वापस आ गया है। सर क्या एसीपी प्रदीप की फिर से मेरे एरिया में पोस्टिंग हो गई? मेरी बात सच निकली संज्ञा। उस सज्जन राव सिर्फ पानी का सांप नहीं, जहरीला नाग है। वो सुली करने के लिए जब हम गए, उसने हम लोगों को बहुत मारा। जान बचा के भाग के आया हूँ। ये खबर सुनाने के लिए कुत्ते के जैसा भागते हुए आए हो? शर्म नहीं आई तुझे? तू है क्या औलाद कहीं के? दफा हो जाओ। अब क्या करे गुरुजी? प्रदीप हमारी मरी हुई फाइल्स को फिर से जिंदा कर देगा। ऐसा लग रहा है जेल की सलाखें हमें बुला रही हैं गुरुजी। इस सज्जन राव ने तो चंगी छेड़ दी है हमारे साथ। सामने से जंग लड़ने वाला शूरवीर होता है, ये तो महामूर्ख है। हमें रणभूमि में जाना ही नहीं है, हम यहीं बैठे रहेंगे और उधर जंग चलती रहेगी। लेसन नंबर 2। ये कैसे हो सकता है गुरुजी? ये तो बीन के बिना सांप को नचाने जैसा है। सुन रे बुद्धू, शत्रुओं का शत्रु परम मित्र। एसीपी का और सीएम का जानी दुश्मन कौन है? जगपति, इन दोनों के विरुद्ध इसे खड़ा कर दिए तो बस, उनके ऊपर ये, इसके ऊपर वो, लड़ते रहेंगे साले। हम आराम से बैठ के तमाशा देखेंगे। जगपति तो जेल में है ना गुरुजी, उसे कैसे बाहर ला सकते हैं? इसीलिए सब तुम्हें बुद्धू कहते हैं। मैंने भी इस राज्य का होम मिनिस्टर बनके 3 साल राज किया है। राजनीति की कूटनीति कैसे भूल सकता हूँ? हमारे नारायण राव ने शराब बंदी को लागू नहीं किया तो बंद का आह्वान किया था, यही ना? ये खबर अखबार में छपी हुई है। लेकिन नारायण राव के इस बंद में जनता भाग नहीं लेगी ना? जनता को हम लाएंगे। सज्जन राव का शिकार करना है तो जगपति को बंदूक बनाना होगा। नारायण राव का गन पाउडर बना के दबा दबा के भरना है। बाद में बंदूक के घोड़े को हमारी उंगली से हल्का सा झटका देना है। एक ही बार में एक साथ एसीपी और सीएम दोनों फिनिश। एक साथ खत्म हो जाएंगे दोनों। पहले नारायण राव को बंद का ऐलान करने के लिए मस्का लगाना है, चने के झाड़ पे चढ़ाना है संज्ञा, चने के झाड़ पे। चने के झाड़ पे चढ़ाना है ना, वो मुझ पे छोड़ दो। और मैं इतने सालों से कर क्या रहा हूँ, वही तो मिलाओ आद। इतनी देर क्यों की दरवाजा खोलने में? चला शोर मत कर। चल। क्या है रवि, रोज ऐसे ही पीके आते हो? माँ तुम्हारी चिंता करती रहती है। अब चलो सो जाओ, ठीक से सो। सुधा, सुधा, माँ, माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? माँ, माँ, रवि, रवि, रवि उठो ना रवि, रवि उठो ना रवि, माँ को फिर से अटैक आया है। रवि प्लीज उठो, रवि प्लीज उठो। सुधा, तुम बेटे के नाम पे सचमुच कलंक हो। सुधा, माँ, माँ, थोड़ा सहन करो, मैं जल्दी से जाके ऑटो लेकर आती हूँ। ऑटो, ऑटो। क्या है, क्या लफड़ा है? मेरी माँ बहुत ही सीरियस है सर, कितनी कोशिश की ऑटो नहीं मिल रहा है। भगवान के लिए, भगवान के लिए ऑटो ला दीजिए प्लीज। अच्छा तो ये ऑटो का केस है। देखो बहन, इतनी रात को मैंने ऑटो की ड्यूटी की तो रात भर वही ऑटो की ड्यूटी करनी पड़ेगी, फिर इधर ड्यूटी कौन करेगा?
सर एम्बुलेंस के लिए फोन कर सकती हूँ प्लीज? देखो बहन ये पब्लिक फोन नहीं है, ऑफिशियल है। पब्लिक को यहाँ से फोन करना अलाउड नहीं है। सर प्लीज सर, ये मेरी माँ की जिंदगी और मौत का सवाल है, भगवान के लिए ना मत कहिए प्लीज सर। हमारे स्टेशन में रोज ऐसे ही किस्म के केसेस आते हैं। सर मेरी माँ बहुत सीरियस है, वो हार्ट पेशेंट है, हॉस्पिटल जाने के लिए एक भी ऑटो नहीं मिल रहा है, प्लीज सर प्लीज हेल्प मी सर। डॉक्टर नथिंग टू वरी, शी विल बी ऑल राइट। हाउ इज द पेशेंट डॉक्टर? ठीक वक्त पे ले आए आप, शी इज आउट ऑफ डेंजर। क्या मैं अब जा सकता हूँ? यस वी विल टेक केयर, वेलकम सर। आपकी बहुत मेहरबानी हुई। इट्स ऑल राइट, दैट वाज माय ड्यूटी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए। आइए बैठिए। थैंक यू। क्या बात है सर? आपको थैंक्स बोलने आई हूँ। हेलो प्रदीप हियर। अच्छा अच्छा आप ही रेडी करो। हाँ सर, कल आपने मदद ना की होती तो मेरी माँ का बचना मुश्किल था। हाँ वो पुलिस की जिम्मेदारी है, इट्स माय ड्यूटी। हाँ A21 इस फाइल को कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचाओ। जी सर। सर मेरी माँ आपको देखना चाहती है, मेहरबानी करके एक बार घर आइए ना हमारे। ओके आऊंगा। हेलो यस सर। हाँ सर ओके सर, मैं अभी आ रहा हूँ सर। एक्सक्यूज मी, मुझे कमिश्नर ऑफिस में जाना है। सर इधर नहीं, स्टेशन में। नाउ आई एम प्रदीप। सर आज बहुत अलग लग रहे हैं। यू आर आल्सो लुकिंग वेरी नाइस। ए सुधा पहले बॉल इधर लाओ, बाद में बात करती रहो। आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। उनकी बात छोड़िए, वो तो रोज मिलते हैं, लेकिन आप तो आज ही मिले ना। वो कैसे, मैं तो हर रोज जॉगिंग के लिए इधर ही आता हूं। मैं भी रोज आती हूं, लेकिन मुलाकात आज ही हुई ना। आपकी ये बॉल रोज मेरे पैरों पे नहीं पड़ती ना। मैं चलता हूं। इतनी जल्दी? ड्यूटी का टाइम हो गया है। See you. Bye-bye. Bye-bye. क्या गुरुजी, सर्कल इंस्पेक्टर ब्रह्मचारी है ऐसा मैंने सुना था। इधर देखो तो ठंडी ठंडी हवा में टॉकिंग, बुलबुल के साथ वॉकिंग। संज्ञा साहब की नकेल कहाँ है अब पता चल गया, अब उसे खींचना बहुत आसान है। ये लड़की क्या और कौन है पता लगाओ। अब तेरा प्रॉब्लम क्या है? सच को साफ साफ बताया तो मुझे लात मार रहा है। देखिए सर वो सर्कल इंस्पेक्टर प्रदीप इसकी बहन के साथ घूमता है, यही तो बोला मैंने। ए, कमीने साले, मेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोला तो काट के रख दूंगा तुझे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो भाई तुम इसका मुंह तो बंद कर सकते हो, लेकिन लोगों का मुंह बंद कर सकते हो क्या? वो दोनों साथ साथ हाथ मिला के पार्क में घूमते हैं, ये सब मैंने मेरी आंखों से देखा है भाई। नो नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। रवि सत्य हमेशा कड़वा होता है, इस बात को मैं भी जानता था, तुझे कैसे बताऊं ये मैं सोच ही रहा था। अभी भी वक्त है, तुम्हारी बहन ना बहुत मासूम है और वो एक लोफर है, और उसे स्टेशन में एक लड़की के साथ बलात्कार करने की वजह से इधर ट्रांसफर किया गया है। इतना गुस्सा मत करो भैया, मैं सब ठीक कर दूंगा। किसी हरामी की मदद नहीं चाहिए मुझे, उसे कैसे सबक सिखाना है मैं जानता हूँ, मैं नहीं करूँगा। देखो रवि उस सर्कल इंस्पेक्टर के बारे में तुम नहीं जानते हो, वो बड़ा हरामी है। वो हरामी है तो मैं क्यों डरूं? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सर वो पुलिस स्टेशन जाके गड़बड़ कर देगा सर,
गड़बड़ करे, इसीलिए तो उसे इतना चढ़ाया है रे। सर, कोई शराबी गाली दे रहा है, उसे अंदर डाल दूं क्या? ए सर्कल इंस्पेक्टर, कम आउट टाइम से बुला रहा हूँ तेरे को, बुला तेरे साहब को बाहर। क्या कर रहा है तू अंदर? अरे बुला रहे उसे बाहर। कौन है ये? देखिए सर, पौवा पी के बहुत बोल रहा है। और भी बोलूंगा रे, क्या कर लेगा रे तू? ए प्रदीप, कहीं कल से मेरी बहन के साथ घूमने की कोशिश की तो, बात करने की कोशिश की तो चुप नहीं रहूंगा मैं। मैं कौन हूँ पता है ना तुझे? आई एम रवि, BSc BBM, आई एम सुधा'स ब्रदर, आई एम ब्रदर ऑफ सुधा, यू नो। मिस्टर रवि, अब बहुत रात हो चुकी है, तुमने खूब पी ली है, अब तुम घर जाओ। अगर नहीं गए तो क्या कर लेगा अब तू? पुलिस वर्दी पहन के डराता है मुझे। आई डोंट केयर, तू मेरी बहन के साथ बात मत करना, मत करना उससे बात, बस समझा गया? रवि तुम घर जाओ। यू ब्लडी इडियट, डोंट टच मी, आई एम नॉट अ क्रिमिनल। माइंड योर लैंग्वेज, बहुत बोल चुके तुम। क्या कर लेगा बे तू? तेरी खाकी वर्दी से डरता नहीं हूँ मैं। मुंह बंद नहीं किया तो तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी रास्कल। रवि क्या है रे, दारू पी के हर जगह झगड़ा करते हो, हमारी बेइज्जती करते रहते हो, चलो घर। मैं नहीं आऊंगा, मैं कहीं भी नहीं आऊंगा, इतना सब कुछ हुआ इसकी वजह से। हमारे घर की मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई। मैं नहीं आऊंगा, छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। हेलो प्रदीप हियर। सर हमारे स्टेशन के बाजू में एक डेड बॉडी पड़ी है सर, बहुत लोग वहां पर जमा हुए हैं सर। मैं अभी पहुंचता हूं। चेहरे पर बदन पर ये निशान देखो तो, डंडे से मारा है नहीं तो लाठी से मारा है, पीट पीट के मार डाला इसे। ये पुलिस का ही काम होगा, इसमें कोई शक नहीं, बेचारे को मार ही डाला ना। कल रात इसका इंस्पेक्टर के साथ झगड़ा हुआ था, वो छोड़ेगा क्या? लॉकअप के अंदर खूब मारा होगा, मर जाने के बाद इधर फेंक दिया। इन लोगों को जरा सा अधिकार क्या मिल जाए, दिमाग घूम जाता है इनका। इस खून की जांच CID को ही सौंपना है, जांच करने वाली भी तो पुलिस है, अपने आदमी को पकड़ेगी क्या? संज्ञा, सर्कल इंस्पेक्टर प्रदीप को हमारे एरिया से ही भगाना है। हाँ, बदन पे वर्दी, कंधे पर स्टार, हाथ में एक डंडा मिल जाए तो ये पुलिस वाले अपने आप को बादशाह समझने लगते हैं। आज रवि को हुआ है, कल किसी और को होगा। हटो हटो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, चलो हटो हटो। ओह माय गॉड, रवि। क्यों प्रदीप साहब, आपने इसे पहचान लिया है? इसके बदन के घाव के निशान को देखे तो लगता है किसी ने पीट पीट के मार डाला है, आपकी पुलिस ही होगी। पुलिस का इसे कोई लेन देन नहीं। कल रात आपका और रवि का स्टेशन में झगड़ा हुआ ऐसा मैंने सुना। नॉनसेंस, इससे उसका क्या ताल्लुक है? नाराज मत होइए साहब, लोग ऐसी बात कर रहे थे ना, इसलिए हमने पूछा, जवाब देना आपका फर्ज है। नो सर, मैंने ये खून नहीं किया है, मेरे किसी दुश्मन ने ये खून करके इल्जाम मुझ पर लगा दिया है, बिलीव मी सर। हमको यकीन है प्रदीप, लेकिन उसे क्या फायदा? ये राजनीति के खेल में तुम्हारे जैसे ईमानदार ऑफिसर ट्रांसफर की सजा से बच नहीं पाते हैं, लेकिन निराश मत होना, देखना एक दिन तुम्हारी ईमानदारी का इनाम जरूर मिलेगा। गो अहेड, कैरी ऑन विद योर जॉब। थैंक यू सर, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, गॉड ब्लेस। नारायण राव जी की जय हो, 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 राव जी की जय हो, नारायण राव जी की जय हो। साहब आप हमारे लिए भगवान जैसे,
कृपा करके हमारे घर के मर्दों की शराब छुड़ाइए। घर में भगवान के साथ आपकी भी पूजा करूंगी साहब। तुम्हारा मुख्यमंत्री मेरा विद्यार्थी रह चुका है, मैं उससे बात करके देखूंगा। सर, इस प्रजा पार्टी में बोलने से, मांगने से कभी भी कोई भी काम नहीं होता। आप बंद का ऐलान करें तो ये काम हो सकता है। बंद का ऐलान कर भी दिया तो मेरा साथ कौन देगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? सिर्फ साथ देने की क्या बात है, हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। आप सिर्फ आंदोलन कीजिए बस। हाँ साहब, हाँ। हम सबका भरोसा मत तोड़िए साहब। हाँ साहब, आंदोलन होना ही चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं बंद का ऐलान करूंगा करूंगा। नारायण राव की जय हो। गांधीवादी नारायण राव की जय हो। स्वतंत्रता सेनानी नारायण राव की जय हो। गांधीवादी नारायण राव की जय हो। स्वतंत्रता सेनानी नारायण राव की जय हो। स्वतंत्रता सेनानी नारायण राव की जय हो। भाइयों बहनों, बंधु भगिनियों, शहर के नागरिक लोगों को सूचित किया जाता है, इसी 15 अगस्त को गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी श्री नारायण राव के नेतृत्व में शराबबंदी का आदेश जारी करने के लिए मंत्रालय का घेराव करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए आप सबसे अनुरोध है कि हजारों की संख्या में शामिल होकर इस प्रोग्राम को सफल बनावें। दारू शराब की आदत से भूखे मरेंगे बीवी बच्चे, दारू शराब की आदत से भूखे मरेंगे बीवी बच्चे। शराबबंदी लागू करो, शराबबंदी लागू करो। नारायण राव की जय हो, नारायण राव की जय हो। दारू शराब की आदत से भूखे मरेंगे बीवी बच्चे, दारू शराब की आदत से भूखे मरेंगे बीवी बच्चे। ए मनु, इस नारायण राव के बंद के ऐलान से हमें एक काम तो मिल ही गया। बड़ा चला के यार तू क्यों पेड़ पे चढ़ा रहा है, हम इसे ही परमानेंट नौकरी बना लें क्या? ए, जो काम हाथ में है पहले उसे तो करो। चलो चलो लगाओ। ए, बंद करोगे? बंद मुंबई क्या तुम्हारे बाप की है? बंद किए तो गरीब भूखा मर जाएगा, खाने के लिए तो रोटी नहीं मिलेगी, बच्चों के लिए दूध नहीं मिलेगा। बंद मत करो, बंद मत करो, मेरी बात सुनो, बंद मत करो। तुमने बंद किया तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। महाजनों, शहर के नागरिक बंधुओं, आप सबसे हमें अनुरोध है कि 15 अगस्त को गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी श्री नारायण राव के नेतृत्व में शराबबंदी का आयोजन किया गया है, मंत्रालय का घेराव करने का आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में आप लोग शामिल होकर दुनिया बंद, सब बंद करो, सब बंद करो, सब बंद करो। अपने बीवी बच्चों को इस बंद में ही मैं खो बैठा था, इसीलिए चिल्ला रहा हूँ। इस बंद को रोको, कोई मेरी बात सुनता नहीं, कोई मेरी बात सुनता नहीं। मेरी बात मैं ही सुनूंगा, किसी और को सुनने की जरूरत नहीं। हाँ, कहाँ है बंद कहाँ है? बंद को जला दो, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनता नहीं, मैं ही करूंगा, जला दूंगा। जला दिया, बंद करने वाले को जला दिया, पूरे बंद को जला दिया, सारे शहर को जला दिया, सारे शहर को जला दिया। नमस्ते मास्टर जी। क्या बात है मुख्यमंत्री जी, आज अचानक इस गरीब के घर आने की वजह बता सकते हैं आप? मुख्यमंत्री बनने के बाद आशीर्वाद देने जन समस्याओं के बारे में राय लेने आया हूँ। पिछले बार आने पर आप घर में नहीं थे। मैं कहाँ जाऊंगा भैया, महात्मा गांधी की भूमि छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ से हटके कहीं नहीं जाता। नहीं मास्टर जी, हमको बताया कि भाई की बीमारी के कारण आप घर गए हैं। झूठा कारण मत बताओ, मुझे झूठ से नफरत है। मुख्यमंत्री बनते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। नहीं मास्टर जी, हम सच पूछ आए थे, प्रशांत जी से पूछिए। वो बात छोड़िए, हम जिस खास काम से आए हैं पहले वो करेंगे। हाँ, आपके बंद के ऐलान पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे खुद बात करने यहाँ आए हैं, उस विषय के बारे में। प्रशांत जी,
उस सब बात हम पर छोड़ दीजिए, हम इनसे बात करते हैं। मास्टर जी तुम क्या, चाहे कोई भी कहे, इस बंद के ऐलान को वापस नहीं लूंगा। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, किसी की परवाह नहीं है मुझे। ब्रिटिशर्स के सामने लड़ा था मैं, शराब बंदी के बारे में लड़ना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 40 सालों से मैं लड़ रहा हूं और मैं लड़ता रहूंगा। मैं मर जाऊंगा, आगे रखे कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, समझ गए? मास्टर जी ये सब काम एक दो दिन में होने वाला नहीं है, हमको थोड़ा समय दीजिए। मोहब्बत तो दे नहीं सकते, तुम में शराब के बिना सरकार चलाने का दम नहीं है, ये कबूल करो। मानते हैं मास्टर जी, अब तक ऐसा ही चला है, हमको सिर्फ 15 दिन का समय दीजिए, हम आपके साथ मिलकर चर्चा करेंगे, किसी एक निर्णय पर पहुंच जाएंगे। अच्छा चलो एक मौका और, लेकिन 15 दिनों के बाद आपको ही इधर आकर मुझे बताना होगा आपने क्या किया। मैं आपको ढूंढने नहीं आऊंगा, इस विषय के बारे में सोचूंगा, लेकिन बंद वापस लेना नामुमकिन है। 15 दिन आगे बढ़ा रहा हूं बस, और कुछ नहीं। इतना भी बहुत है, हम खुद आकर आपको बताएंगे। आप जसो का मार्गदर्शन हमको चाहिए मास्टर जी। हमारा मार्गदर्शन किसे चाहिए, हमारी बात की कौन इज्जत करता है। प्रजातंत्र में हम एक उत्सव मूर्ति की तरह है, त्योहार आए तो राज पोशाक, पूजा पाठ, हार तूरे, मान सम्मान सब मिलता है। त्योहार खत्म होते ही मूर्ति को कमरे के किसी कोने में फेंक देते हैं। वो छोड़िए, मुख्यमंत्री बनने के बारे में मेरे घर में आशीर्वाद मांगने आए हो, इसीलिए कहता हूं 15 दिनों के अंदर एक मदपान निषेध समिति का गठन करो, मुझे अध्यक्ष बनाओ और उस पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दो, तब मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दूंगा। लेकिन याद रखना, 15 दिन के अंदर यदि तुम ये नहीं कर पाए तो बंद का ऐलान हो जाना निश्चित है। अच्छा मास्टर जी, हम आपके बहुत आभारी हैं, अब हम चले। आज्ञा दीजिए गुरु जी। नमस्ते। गुरु जी, नारायण राव जी के बंद के ऐलान से कुछ नहीं होगा, ऐसा क्या होगा जरा हम भी देखें। सुनिए प्रशांत जी, ये नारायण राव जी के बंद की कामयाबी का बात नहीं है, उनकी मांग के सही गलत पर सोचिए। अरे संगमेश, हमारा सब प्लान उल्टा होने वाला है, हमें अब होशियार रहना है। May I coming, sir? Welcome, Mr. Pradeep. बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। कैसी है आपकी नई पोस्टिंग पुराना एरिया? नो प्रॉब्लम सर, इधर के लोगों से मेरी पहचान है, यहाँ कुछ छोटे मोटे गुंडे थे वो भी अब कंट्रोल में है। गुड, इसलिए सीएम ने तुम्हें प्रमोशन देकर इधर ही पोस्ट कर दिया है, थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, आप है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर। बंद के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करने आया हूं। आपने नारायण राव जी के बंद की बात की है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कल मुझे सीएम ने मीटिंग में बताया था, सीएम की नारायण राव जी के साथ बात हो चुकी है, नारायण राव जी कल के बंद में भाग नहीं ले रहे हैं, अगर वो भाग लेते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रदीप। अच्छा, तो मिनिमम सिक्योरिटी काफी है ना सर? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, नारायण राव की सभा में पब्लिक से कहीं ज्यादा पुलिस ही रहेगी, ऐसा हम पर आरोप लगाया गया है, इसीलिए पुलिस फोर्स थोड़ा कम ही रखी है। ओके सर, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बंद को वापस मत लीजिए, मुख्यमंत्री के कहने पर ऐसा करना ठीक नहीं है। सर, बंद के लिए शहर में सारी व्यवस्था कर दी गई, अब बोलिए क्या करना है। किसी कमेटी का मेंबर होने के लालच में आप बंद का ऐलान वापस लेंगे क्या सर? हम आपकी इज्जत करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, आप ऐसा करेंगे हमने सोचा नहीं था। ऐसा नहीं है भाई, 15 दिन के अंदर मांग को पूरा करने का वचन दिया है ना। जो काम 40 साल में नहीं हुआ वो 15 दिन में क्या होगा सर? उनके शराब बंदी से हमारे बंद के ऐलान का कोई ताल्लुक नहीं है,
अगर ये बंद नहीं हुआ तो सारी जनता हम पे थू थू करेगी। ये कैसी मुसीबत आ गई है मुझ पर। आप चाहे तो बंद को वापस लीजिए, हम हमारे आंदोलन को जारी रखेंगे। हाँ, हाँ, हमारी जान भी गई तो हम आंदोलन बंद नहीं करेंगे। हाँ सर। चलो अब बताओ कल बंद में तुम लोग क्या काम करोगे। सब दुकानों को बंद करेंगे, पत्थर मारेंगे, लोगों को डरा धमका कर भगाएंगे और भी बहुत कुछ करेंगे सर। सर जब मैं कॉलेज में था तब 4-5 स्ट्राइक करवाई थी सर। अच्छा सुन, कोई दुकान खुली नहीं रहनी चाहिए। कल बस कार ऑटो रास्ते में नहीं दिखने चाहिए। सर ऐसा कोई भी काम रहा तो बताइएगा सर, हम यही पास वो गेट है ना, वही सर। हाँ वही। थैंक यू सर। ठीक है चल जा। ओम गजानाम पद्मनाम शुद्धनादिकरणानाम नतरदायतमम श्रीनवासविश्वजाम जसाम शांति। हे भगवान, सरकारी नौकरी ना भी मिले तो चलेगा, महीने में ऐसे 2-3 स्ट्राइक भी दिलवाया तो बहुत है। शंकर भाई नमस्ते, ठीक हो ना? वासु भाई कितने दिनों बाद मिले हो तुम, कहाँ थे तुम? क्या कहूँ शंकर भाई, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मेरी माँ की बीमारी के इलाज के लिए पैसे कमाना है ना, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। कमाओ कमाओ वासु भाई, माँ से बड़ा इस दुनिया में और क्या है। तुम बहुत नसीब वाले हो, लेकिन मेरे ऐसे नसीब कहाँ। शंकर भाई ये 500 लो, मेरे हिसाब में जमा करो। माँ के ऑपरेशन के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ, वो ठीक हो जाएगी ना शंकर तुम भाई? चिंता मत करना वासु भाई, कितना भी खर्च हो मैं हूँ ना। देखो तुम्हारी माँ मेरे लिए भी माँ समान है। बताओ माँ कब आ रही है? कल परसों आ रही है। किस जन्म का पुण्य है पता नहीं शंकर भाई, तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। अच्छा मैं चलता हूँ शंकर भाई। अच्छा, चलता भाई। बस का इंतजार कर रहे हैं क्या? बस की सूचना मिलेगी, बाजू के रास्ते में बस को जला दिया गया। भागो भागो भागो, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। एक मिनट गाड़ी रुकिए सर, उस तरफ मत जाइए सर, कांच वांच सब फोड़ देंगे। जाइए जाइए वापस, जल्दी 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 निकल, गाड़ी निकल। रुको रुको रुको, अरे क्या हो गया भाई? अरे उधर बंद है, तब ऑटो को तोड़ फोड़ कर जला रहे हैं, सभी ऑटो वाले को खबर पहुंचाओ। क्या हो जाओ जल्दी जल्दी, सुनो उधर बहुत धंधा फसाद हो गया है, ऑटो लेकर घर जाओ जल्दी जल्दी। नारायण राव की, मदपान निषेध को लागू करो, शराब बेचने वाली सरकार का धिक्कार है, दारू शराब की आदत से भूखे मरेंगे बीवी बच्चे। नारायण राव की जय हो, नारायण राव जी की जय हो, नारायण जी की जय हो, नारायण राव जी की जय हो, नारायण राव जी की जय हो। सर 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 आइए सर, जनता आपका इंतजार कर रही है सर। मैंने सीएम को वादा किया है भाई, मैं आ कैसे सकता हूँ? आप अगर अभी नहीं आए तो जनता आपका विश्वास खो बैठेगी सर। मुमकिन है भाई, प्लीज सर आप आइए सर, आपका नहीं आ सकता। आप इंतजार करें, मेरी बात सुनो, मैं नहीं आ सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, आना होगा आना होगा, नारायण राव को आना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, आना होगा आना होगा, नारायण राव को आना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, आना होगा आना होगा, नारायण राव को आना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, आना होगा आना होगा, नारायण राव को आना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, आना होगा आना होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आना होगा आना होगा, नारायण राव को आना होगा। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। मदपान निषेध को लागू करो, मदपान निषेध को लागू करो, मदपान निषेध।
को लागू करो, मद्यपान निषेध को लागू करो, मद्यपान निषेध को लागू करो, मद्यपान निषेध को लागू करो। चाहिए 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 चाहिए, किसके लिए जंग है ये, किसके लिए जंग है ये, साफ के लिए जंग है ये। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, चाहिए 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 चाहिए, किसके लिए जंग है ये, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चाहिए चाहिए चाहिए। मद्यपान निषेध को लागू करो, मद्यपान निषेध को लागू करो, गांधी जी का सपना साकार करो, महात्मा गांधी जी का सपना साकार करो, गांधी जी का सपना महात्मा गांधी जी का सपना साकार करो, गांधी जी का सपना मद्यपान निषेध को लागू करो, चाहिए 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 चाहिए, जिंदाबाद जिंदाबाद मद्यपान। अरे भाई सुनो, ये स्ट्राइक किस बात की है? वो मुझे पता नहीं है सर, हरा दिया है, पीने को खिलाने को कहा है, मद्यपान निषेध लागू करो, मद्यपान निषेध लागू करो, मद्यपान निषेध को लागू करो, चाहिए चाहिए। पर आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, हमारे बुजुर्ग स्वतंत्र सेनानी श्री नारायण राव जी ने इस मद्यपान निषेध आंदोलन में उतरकर हम सब में जागरूकता पैदा की है। इनके नेतृत्व में हो रहे इस आंदोलन में साथ देने वाले आप सबका स्वागत करता हूं। इस आंदोलन के बारे में जन्मजात सेनानी श्री नारायण राव जी को प्रजा पक्ष की तरफ से दो शब्द कहने की विनती करता हूँ। देश बंधुओं, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही मुख्य दिन है भारत के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे इस आंदोलन से हटाने के लिए सरकार ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मैंने उन सबको इनकार कर दिया। मैं महात्मा गांधी जी के साथ इस देश की आज़ादी के लिए आंदोलन के लिए लड़ा। इस देश में मद्यपान से होने वाले नुकसान के बारे में महात्मा गांधी जी ने हमें चेतावनी दी थी, उन्हें विद्रोहियों ने गोली से मार डाला। उनकी आत्मा को शांति देने के लिए हम सब ने मिलकर जिस तरह अंग्रेजों को इस देश से भगाया था, वैसे ही मद्यपान को भी इस देश से उखाड़ फेंकना है। आज इस मंच से इस सरकार को मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ कि यदि 15 दिन के अंदर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और मद्यपान निषेध नहीं किया, हमारी बात पर गौर नहीं किया और लागू नहीं किया गया इसे, तो मैं मरणात्मक भूख हड़ताल करूँगा और ये मेरा निश्चय अटल है। सज्जनों, इस बात के लिए मुझे मेरे प्राण भी निछावर करने पड़े तो भी मैं तैयार हूं। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके राजनीति के प्रभाव से जेल से बाहर आया ना, आज तुझे इस दुनिया से ही बाहर भेज देता हूँ। उधर दंगा फसाद, इधर तेरा खेल खलास, मैटर ओवर। Thank you.
अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, अरे क्या कर रहे हो? सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो भाई, सबके पिता समान हमारे बीच नारायण राव नहीं है, इसका मुझे दुख है। देश का ये दुर्भाग्य ही कोई भी अच्छा काम करे तो उसे जीने नहीं दिया जाता है, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। इससे पहले मतलब 1948 ईसा पूर्व में महात्मा गांधी जी को गोली से उड़ा दिया। आज हमारे आपके प्यारे नेता नारायण राव जी को बम से उड़ा दिया गया है। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? नारायण राव ने ऐसी कौन सी गलती की? मद्यपान निषेध को लागू करने की बात गलत थी क्या? अगर उन्होंने बंद के ऐलान को वापस ले लिया होता तो उनकी ऐसी दर्दनाक मौत नहीं होती थी, वो आज हमारे बीच जिंदा रहते। इस खून के पीछे किसका हाथ है? किसका हाथ है इस बात का पता लगाना है, और खूनी को गिरफ्तार करके उसे किए की सजा दिलाना है। उनके आदर्शों का पालन करने की कसम उनके चरणों के सामने ही कर रहा हूँ। एक समस्या आ गई है, नारायण राव जी की चिता को अग्नि कौन देगा? नारायण राव जी सिर्फ हमारे गुरु ही नहीं थे, वो हमारे पिता समान थे। इस पुण्य कार्य को हम निभाऊंगा, हम निभाऊंगा।
ये कौन है सर? ये हार्ट स्पेशलिस्ट है। अच्छा, ए, क्या हुआ? आपने जैसा कहा वैसा ही किया दादा। नारायण राव को खत्म कर दिया, दंगा फसाद फैला दिया, बहुत लोग मारे गए दादा। वेरी गुड, इसे ऐसे ही आगे बढ़ाओ, मुश्किल है दादा। क्यों? हमारे लड़के अरेस्ट हो चुके हैं दादा, नए लड़के नहीं मिल रहे हैं। अब उस एरिया में एसीपी प्रदीप आ गया है। प्रदीप, प्रदीप, प्रदीप। शेट्टे, तेरे इतने जरूरत तूने मेरी पुलिस कंप्लेंट की? नहीं दादा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो दादा, मुझे मत मारो। नहीं दादा, मुझे मत मारो, नहीं मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे मत मारो दादा, मुझे मत मारो दादा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। पुलिस स्टेशन उदयनगर में पड़ा चौक के पास मर्डर हुआ है। मर्डर? शेट्टी का खून जब हुआ मैं उस जगह पे नहीं था। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आकर कहिए। हम कोर्ट पे गवाही न दें इसलिए मेरे सिर पर चोट किया, दूसरे गवाहों को डरा के झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया है इसने। इस आदमी ने शेट्टी को दुकान से बाहर घसीटा, चाकू से मारने के समय हम बचाने गए तो हमको भी मारा। इसने शेट्टी को सरेआम चाकू घुसेड़ कर मार डाला, जज साहब ये हम अपनी आंखों से देखे, हम ठीक कर रहे हैं। एक प्रजापति होने के नाते इस सत्य को बता रहा हूं जज साहब। इस मुकदमे की आंखों देखी गवाहियों के आधार पर आरोपी जगपति का अपराध साबित होता है। यह न्यायालय आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज, प्रदीप सज्जन राव
ये दोनों मेरे शिकार हैं। अब क्या करना है दादा? इस जल रही आग को मैं बुझने नहीं दूंगा। गोविंद, मेरे आने की खबर प्रशांत जी को दे दो। अच्छा दादा। सर, सारे गुंडे एलिमेंट्स को अरेस्ट कर लिया है, सभी तरह के प्रिकॉशंस ले लिए, फिर भी वायलेंस कम नहीं हो रहा है। इसकी वजह क्या है प्रदीप? लगता है इसके पीछे कोई बड़ा माफिया है। एक पॉइंट और है, ये हादसे मेरे एरिया उदयनगर में ही ज्यादातर हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन बताइए। कर्फ्यू जारी करना पड़ेगा सर। कर्फ्यू जारी करने से वायलेंस कम होगा क्या? कम होगा सर, लेकिन जनता परेशान हो जाएगी, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दीजिए सर। आई विल अरेस्ट द कंप्लीट एंड ब्रिंग द सिचुएशन कंट्रोल। ओके, आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आई विल एग्री, कैरी ऑन। थैंक यू सर। सभी जनता से हम विनती करते हैं, उदयनगर शांतिनगर में हिंसाचार बढ़ने के कारण हालत काफी गंभीर हो चुकी है। रक्तपात और हिंसाचार को रोकने के लिए इस क्षेत्र में सरकार के आदेश पर अनिश्चितकाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमारा सभी जनता से निवेदन है, घर के अंदर ही रहकर शांति बनाए रखें। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले को सजा दी जाएगी। स्वागत है, सुस्वागत जगपति जी का, स्वागत है, आइए। आइए, वेलकम। जगपति जी, आपके इशारे पर चिंगारी तो लगा दी है, अब इस आग का दरिया बनाना आपका काम है, समझ रहे हैं? कर्फ्यू सिर्फ 24 घंटों के लिए ही है और इसे बढ़ाना है। साथ में जनता को रोजमर्रा की चीजें नहीं मिलनी चाहिए, मतलब खाने पीने को कुछ ना मिले, लोग तड़प तड़प कर मरे, ऐसा कुछ करो। कर्फ्यू बढ़ाने के लिए दंगा फसाद करवाना तो ठीक है, मगर उस ACP ने हमारे लड़कों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया है, अब इस दंगे को हम कैसे बढ़ाएंगे? वो बहुत आसान है। वो ACP प्रदीप हमारे लड़कों को जिस झोपड़पट्टी से उठा के लाया, उसी झोपड़पट्टी में आग लगा दो। ये पुलिस का ही काम है ऐसी खबर फैला दो। पुलिस स्टेशन पर पत्थर फेंको और फिर देखो, उस झोपड़पट्टी के लोगों ने ही ये काम किया है, ऐसा पुलिस को खबर दो। और तब जनता का आक्रोश पुलिस पर होगा, पुलिस का आक्रोश जनता के खिलाफ होगा। वन मोर थिंग, उस ACP प्रदीप को एक ही जगह पर रुकने मत देना, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वो जली हुई बिल्ली की तरह भागते ही रहना चाहिए वो। आगे सब अपने आप होगा। मंजू प्यास लग रही है पिताजी, प्यास लग रही है पिताजी, मंजू प्यास लग पिताजी, रही है, थोड़ा सहन करो पिताजी, मैं अभी जाकर पानी लेकर आता हूँ, रुको। मंजू प्यास लग रही है, साहब आ रहे हैं, साहब जी, साहब जी, साहब जी। क्या मंजू भाई, क्या हुआ? साहब जी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, कर्फ्यू होने की वजह से खाने को तो कुछ मिल नहीं रहा है, बार बार पीने के लिए पानी मांग रहे हैं, वो भी मैं उन्हें दे नहीं पा रहा हूं साहब जी। हाँ, पानी चाहिए, ये लो, वाटर पाइप ब्लास्ट किया है, कहीं भी पानी नहीं मिल रहा, वाटर टैंकर का इंतजाम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। कॉलिंग कंट्रोल रूम, कॉलिंग कंट्रोल रूम।
हेलो, हाँ बोलिए। दीवान नगर के स्लम में आग लगी है, अर्जेंट जाओ। रश इमीडिएटली, ओवर। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, ओवर। राशन खत्म हो गया है, अब क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? बाजार जाना है लेकिन बाहर कर्फ्यू लगा दिया है। माँ, हाँ, बच्ची बहुत रो रही है, बदन पूरा जल रहा है, दूध भी नहीं है, भूख से तड़प रही है मेरी बेटी, मैं क्या करूं? रो मत बेटी, धीरज रखो, सबके घर में यही हालत है, बाहर नहीं जा सकते। देखते हैं पड़ोसी के यहाँ दूध है क्या, वो तो लेकर आता हूँ। ए रुक जा, ए रुकना रुकना रुकना, पुलिस को धिक्कार है, बंद को धिक्कार है, कर्फ्यू करने वाले को धिक्कार है, एसीपी को धिक्कार है, एसीपी को धिक्कार है। चलो जाओ, घर जाओ। ए घर, ये रास्ता ही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुना ना, नहीं जाऊंगा। क्या कर लेगा, क्या कर सकता है रे तू? उसकी बात सही है सर, ये रास्ता है उसका घर बार सब कुछ है सर। इसके इस हालत की वजह ये राजनीति, ये समाज है सर। एक बार ऐसे बंद में इसके बीवी बच्चे खो जाने से ये पागल हो गया है सर। ए, कौन है रे पागल? तू पागल, तेरा बाप पागल, बंद करने वाला पागल है, कर्फ्यू लगाने वाला पागल है, सब पागल है, जनता को इंसाफ न देने वाला पागल है, मुझे भिक्षा न देने वाला भी पागल है, पुलिस पागल है, कर्फ्यू लगाने वाला पागल है, मेरी बीवी बच्चे की बलि लेने वाला पागल है, मुझे ऐसा पागल करने वाला भी पागल है। सज्जनों, आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। जनता अपने जरूरत का सामान खरीद सकती है। जनता की सुविधा के लिए सभी प्रकार की सामग्री की विक्री की व्यवस्था की गई है। जनता इस सुविधा का लाभ उठाए, कानून को नियंत्रण में रखने के लिए सहयोग दे, ये आपसे विनती है। वाह! सज्जनों, आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। जनता अपने जरूरत का सामान खरीद सकती है। जनता की सुविधा के लिए सभी प्रकार की सामग्री की विक्री की व्यवस्था की गई है। जनता से विनती है, 12 बजे के अंदर आवश्यक सामग्री खरीद ले, जनता इस सुविधा का सदुपयोग करे, कानून नियंत्रण के लिए सहयोग देने की कृपा करे। जनता को भूख प्यासे तड़पा तड़पा के मारने की हमने प्लानिंग की,
उस एसीपी के बच्चे ने कर्फ्यू को रिलैक्स कर दिया। बड़ी चौकी में बाजार खुलवा के हमारे प्लान को उल्टा सीधा करके हमें ही उल्लू बना दिया। संज्ञा हमारी मेहनत से मिट्टी में मिल गई है। यहीं पर उसने गलती कर दी। लोग इकट्ठा होंगे तो काम हो जाएगा और भी आसान हो जाएगा। आज तक तो अंधेरे में लड़ते थे, उजाले में कैसे लड़ते अब उसे मैं बताऊंगा।
रो मत बेटा, रो मत, रो मत पप्पू, दादा दूध लाने गए हैं ना, आ जाएंगे। रो मत बेटा, दादा अभी आ जाएंगे। उषा, मुझे बहुत डर लग रहा है, पापा कहीं दंगों में फंस तो नहीं गए होंगे ना बहन? हाँ? बाप रे, पापा दूध नहीं मिला क्या? मिला था बेटी, उतने में कहीं से चार गुंडे आए और सामने आने वाले को काट डाला। मैंने ऐसे हादसों के बारे में पढ़ा था, सुना था, लेकिन ऐसे हादसे को मेरी आंखों के सामने देखने का दुर्भाग्य मुझे मिलेगा ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था माँ। हाथ कटे हुए लोग, पांव कटे हुए लोग, और तो और बच्चों का रोना चिल्लाना मैं सुन नहीं पाया। बेटी खिड़की दरवाजा सब बंद करो बेटी। अरे भगवान, हे भगवान, ये सब क्या? घबराइए मत जी, शांत हो जाइए। कौशल्या, बच्चे के दूध के लिए क्या करेंगे? स्टॉक है ना? ट्रीटमेंट किया है सर। जी सर। हाँ, देख लीजिए सर। नमस्कार। बहुत मारा है सर इसे। नमस्ते डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर। ठीक हो जाएगा। डोंट वरी सर। सर पैर में चोट लगी है। इतना मत कीजिए। सब चेक किया है। इस पर्टिकुलर पार्ट में खून नहीं है सर। जी सर। इसमें हैंड इंजरी है सर। इसके भाई को बहुत मारा है सर। That is important। मेरे भाई को बचा लीजिए। बहुत मारा है सर। सर मेरे भाई को बचा लीजिए। सर बचा लीजिए। शांत हो जाइए। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हम कर रहे हैं ना। सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। धीरज रखिए। हाँ, धीरज रखिए। देखिए जरा इसको देखिए। ऑपरेशन करेंगे, सब ठीक हो जाएगा।
फाइन। माँ बहन खाना दो ना, खाना दो ना। माँ बहन जी खाना दो ना, खोल तो दरवाजा खोलो। माँ खाना दो, बहुत भूख लगी है। ए, क्या है रे? खाना दो, भूख लगी है, थोड़ा खाना दो। इधर हम लोग खुद बच्चे के दूध के लिए परेशान हैं और तेरे को खाने की पड़ी है। हट रे, जा इधर से, भाग यहाँ से। बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को दूध नहीं है, बच्चे को दूध नहीं है, दूध चाहिए। मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ। दंगा शुरू होने के पहले ही माँ को लेने के लिए बस स्टैंड गया होता तो अच्छा होता। अब देखो किसी को बाहर नहीं जाने दे रही है ये पुलिस। वासु भाई, कोई भी बाहर नजर आए तो गोली से उड़ा देने का ऑर्डर दिया गया है। मुंबई मुंबई 18 क्लास मलाड, अगले स्टॉप पे बस रुकेगी नहीं, अगले स्टॉप पे बस रुकेगी नहीं, तब उतरो। चलो 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 जल्दी, हाँ नेक्स्ट स्टॉप पे बस नहीं रुकेगी, चलो। शंकर भाई, किसी तरह बस स्टैंड जाकर मैं माँ को लेकर आता हूँ। नहीं वासु भाई, रात के बाद तकलीफ नहीं होगी, तब तुम जा सकते हो। ए बेटा, उदय नगर कहाँ है? एड्रेस? हाँ ये है, इस एड्रेस पे जाना है। ओ उदय नगर क्या? उधर तो कर्फ्यू लगा दिया है, कोई नहीं जा सकता। किसी और से पूछो। अब मैं किससे पूछूं? तो ठीक से बताएगा। देखो ये ऑटो वाला आया, इससे पूछो। रिक्शा रिक्शा। कहाँ जाना है माँ जी? ये एड्रेस पे जाना है। उदय नगर को? हाँ। मैं नहीं आऊंगा, माँ उधर कर्फ्यू लगा हुआ है। हाँ? मुझे यकीन है सर, अटैक करने वाला उसी एरिया में छिपा है सर। दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम इनसाइड। आपकी हमदर्दी को मैं जानता हूँ प्रदीप, कर्फ्यू एक्सटेंड करने से, शूट एंड साइट ऑर्डर करने से उस इलाके के निवासियों को बहुत तकलीफ होगी। अगर आपको उन लोगों का सहयोग नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? सिर्फ एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं हालात को कंट्रोल करूंगा। आपके इस इनकरेज की मैं तारीफ करता हूं प्रदीप, लेकिन एक्सटेंशन से हालात बिगड़ने के प्रॉब्लम्स बढ़ गए तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। ओके सर, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफिसर। यस सर। इस एरिया से बाहर जाने वाले सभी रास्ते को सील कर दो। इधर से कोई बाहर जाए या अंदर आए तो मुझे इन्फॉर्मेशन देना। अच्छा सर। यह हादसा लोकल आदमी का काम नहीं। हाँ, इसमें बाहर के लोगों का हाथ है। जी सर। और हाँ, कोई नया चेहरा नजर आए तो उस पर नजर रखो। ओके सर। ओके। क्या सर? बस तो शायद अब तक आ चुकी होगी शंकर भाई। इसके लिए अपनी जान दे दोगे क्या? बाहर पूरा पुलिस का पहरा है। हाँ, एसीबी साहब राउंड पर आएंगे, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। रुको। मुझे माँ की चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है शंकर भाई, क्या करूं मैं, क्या करूं? धीरज रखो, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। आटो, आटो। कहाँ जाना है माँ जी? उदयनगर चलोगे क्या? नहीं माँ, नहीं जाऊंगा। रिक्शा रिक्शा, उदयनगर चलोगे? नहीं नहीं, उदयनगर नहीं। ऑटो ऑटो ऑटो। क्या है? ऑटो उदयनगर? नहीं माँ जी, उधर नहीं। होशियारी से वासु भाई,
होशियारी से। आप कौन हो माँ जी, इधर क्यों आ रही हैं? चलिए चलिए। भाई मेरे बेटे से मिलने दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मेरे बेटे से मिलने दो। माँ जी इधर कर्फ्यू लगा है, कोई नजर आए तो उसे गोली से उड़ा देंगे हम लोग। ऐसे क्या? अरे बाप रे, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँ? खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। बेटा मुझे बेटे से मिलवा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। माँ जी अब जाओ यहाँ से, माँ जी साहब आगे जाओ, उधर चलो चलो उधर चलो। कौन है ये? सर इनका बेटा यहीं के रहता है, ये उससे मिलना चाहती हैं। अच्छा जीप में बैठिए। ए अंदर बिठाओ। वाटर टैंकर गया क्या? गया है सर। अच्छा बी अलर्ट। यस सर। कहाँ जाना है? मेरे बेटे वसु भाई के पास, इधर ही उदयनगर में रहता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए मुझे यहाँ आने के लिए खत लिखा। यहाँ आके देखा तो दंगा ही दंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहिब जी। साहिब जी जैसे भी हो बेटे से मुलाकात करवा दीजिए साहिब जी। अच्छा माँ जी आप कोई चिंता मत कीजिए, मिलवा दूंगा। इतनी मदद कीजिए, इतनी मदद। ए, कौन है रे तू? नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, गोली नहीं चलाना, मुझे कुछ मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, नहीं नहीं प्लीज प्लीज। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। ए शूट कर दूंगा, मुझे मेरी मां के पास जाना है। रुक जाओ। ए कौन है तू? ए शूट करो इसे। कौन है तू? कहां जा रहा है? नहीं शूट करो इसे। नहीं नहीं प्लीज शूट। जगपति जी ये आपने क्या कर दिया? डोंट वरी, ये एसीपी साहब को हमारा गिफ्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन उसे देना होगा। हेलो सर, इधर एक आदमी को शूट कर दिया गया है सर। ओ गॉड, कहाँ? 19 फीट रोड पे सर। मैं अभी पहुंचता हूँ। और ड्राइवर 90 फीट रोड चलो। जगपति जी इस खुशी के मौके पे एक बैग लगाएंगे क्या? सुनिए प्रशांत जी, मैं पीऊंगा मगर मेरा काम होने के बाद ही। ये पहला बलि का बकरा है, अभी तो दो बाकी है। पता नहीं सर, किसी ने शूट कर दिया। इस आदमी का पता लगा के पता नहीं लगा सर।
कांस्टेबल जी सर, माँ जी के पास कोई चादर तो मांग लो। अच्छा सर, माँ जी एक चादर हो तो दीजिए। हाँ ये लो बेटा। बॉडी जीप में डाल दो। भगवान, न जाने किस माँ का बदनसीब बेटा है ये। हे भगवान, धीरे से वासू, वासू, मेरा वासू, मेरा बेटा, मुझे छोड़ के क्यों चला गया वासू? यही मेरा बेटा वासू, यही मेरा बेटा वासू। बीमारी के इलाज के लिए मुझे बुलाया और खुद यहाँ से चला गया। शांत हो जाइए माँ जी, मैं तुम्हारी बिना नहीं जी सकती। सर लोगों ने इसे बहुत मारा है सर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर इंपॉर्टेंट है सर। डॉक्टर को बुलाओ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्कार, नमस्कार। वासु, वासु बेटा, वासु आखिर में तू मुझे अकेला छोड़ के चला गया ना वासु? माँ जी। वासु कहाँ चला गया तू? माँ जी, हा? माँ जी, मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? मेरे बेटे को आपने क्यों मारा? क्यों मारा? माँ जी मैंने, छुओ मत मुझे, तुमने मेरे बेटे को मारा है, तुमने मेरे बेटे को मारा है। आप क्या बचाए बेटी, ये सब देखने से पहले ही भगवान ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? इसी ने मेरे बेटे को मारा, इसी ने मेरे को मारा है। आप ऐसे चिल्लाइए मत, जान ली। सुनिए, मेरे भैया को मारने के बाद भी आपको तसल्ली नहीं हुई, अब इस माँ के बेटे को भी मार डाला और कितने आदमियों का खून पियोगे? सुधा मैं बेकसूर हूँ, मैंने खून नहीं किया, सच क्या है वो तुम नहीं जानती। हाथ कंगन को आरसी क्या, तुम गुनहगार हो ये सारी दुनिया जानती है। सुधा देखो, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, सच्चाई क्या है पता चल जाएगा। सुधा हम तुम्हारी बात को सुन लिए हैं बेटी, प्रदीप का कहना सच है, वो खून तुम दोनों को अलग करने के लिए किया गया एक षड्यंत्र था। सीआईडी इंक्वायरी की फाइनल रिपोर्ट को मैंने देखा है, थोड़े ही दिनों बाद असली गुनाहगार को सजा होगी। मतलब मेरे भाई को मारने वाला प्रदीप नहीं है? नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ही इज जम।
वासु भाई की मौत से जनता आक्रोश से भर गई है। हम कितना भी उसे समझाएं, हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं। इसमें पुलिस का कोई गलती नहीं है, ये काम गुंडे बदमाशों का है, ये आपको जनता को समझाना है। नहीं सर, जनता का पुलिस पर से विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। किसी एरिया को एक बार कर्फ्यू की वजह से सील करने के बाद उस एरिया में कोई आदमी घुस नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस ने गोलीबारी नहीं किया है, इस बात पर कौन यकीन करेगा? ये सब नई नौटंकी है, अपनी गलती को छुपाने के लिए एसीपी साहब नई कहानी बना रहे हैं बस। इस सलाह को आप गलत मत समझिए, एसीपी का ट्रांसफर किया तो जनता का गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए संगमेश जी, प्रदीप कैसा ऑफिसर है हमारी जनता को पता है, उसी ने इस शहर में गुंडागिरी को कंट्रोल किया है। कभी कभार कोई गलती हो जाए, सिर्फ इस कारण से उसका ट्रांसफर करना ठीक नहीं है। आप लोग जनता से शांति रखने के लिए कहिए, जनता का मन जीतिए। मुश्किल है सर, कितनी भी कोशिश करें ये मुश्किल ही है। अभी इसी वक्त कर्फ्यू को रिलैक्स करके कल ही आप शांति यात्रा कीजिए तो थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, नहीं तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। बस सही कहा ना? सही है, आप जरूर आना। ठीक है, हम कमिश्नर से बात करेंगे, आप लोग कल सुबह शांति यात्रा की व्यवस्था कीजिए। सर, एसीपी प्रदीप आपसे मिलने आए हैं। प्रदीप जी आने दो। यस सर। हमें आज्ञा दीजिए गुरु। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। ओहो, क्या है सर, कैसे हो? आप अच्छे हैं ना? अभी अभी सीएम के साथ आपके बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, मेरे बारे में? चलता हूँ। ओके गुरु। सीएम की शांति यात्रा या शमशान यात्रा? अंतिम यात्रा। आइए बैठिए। हाउ इज द सिचुएशन? कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ सर। फॉरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बुलेट पुलिस की राइफल से नहीं चलाया गया, किसी दूसरी राइफल से चलाया गया। देखो प्रतीक, हमको तुम पर विश्वास है, लेकिन जनता को हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। उसको यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है। इस क्ल्यू से वो पकड़ा जाएगा, थोड़ा वक्त चाहिए बस। खूनी यहीं कहीं छिपा होगा, वो जल्दी मिल जाएगा सर। आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, लेकिन कल से कर्फ्यू उठाना है, जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। कर्फ्यू सर, कर्फ्यू हटा दिया गया तो वो खूनी बच जाएगा, इसलिए एक चांस और दीजिए सर। आप कुछ कीजिए, हम नहीं जानते हैं, कल हमको शांति यात्रा पर जाना ही है। जनता और उत्तेजित हो गई, हालत और बिगड़ जाएगी। शिकायत के लिए मौका नहीं दूंगा सर, चलता हूँ। अच्छा
अंदर के लोगों को अरेस्ट करके घर को सील करो। ओके सर। प्लीज कम सर। देखिए सर, बाजार में हुए दंगे में निकाले हुए फोटोग्राफ से सर। श्रीनिवास सर, ये तो जगपति का चेहरा है ना? हाँ सर। इसका क्लोजअप कर सकते हैं क्या? ओके सर। जगपति, 14 साल नासिक की जेल में सजा काटने वाला इधर कैसे आया? हाँ, एक फोन करता हूं। हेलो, मुंबई से एसीपी प्रदीप बात कर रहा हूं। क्यों प्रदीप, इतनी रात में? नरेश, एक इम्पॉर्टेंट बात थी इसलिए डिस्टर्ब किया, सॉरी यार। नो प्रॉब्लम, बताओ प्रदीप। वो गुंडा जगपति तुम्हारी जेल में था ना? हाँ, लेकिन उसकी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर के एडवाइस से उसे एडमिट किया गया है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, थैंक यू नरेश, बाकी की बातें बाद में। थैंक यू। श्रीनिवास सर, मैं नासिक जेल जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बताइए सर। मेरे नासिक जाने की खबर किसी को मत बताना, तुम फोन पे बैठो, मैं पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगा। ओके सर। हमसे भूल तो हुई है, लेकिन इस बात की चिंता करके पागल हो जाएंगे। एक काम करते, हम दोनों कहीं और भाग जाते। कहीं भी गए तो भी हमने जो पाप किए वो दिन रात हमारा पीछा ही करेगा ना। क्या और क्या करेंगे ये तो बताओ। हम एसीपी की मदद से दीन और दुखी जनता की सेवा करेंगे। हाँ हाँ, ऐसा करने से अपने पाप तो धुल जाएंगे। पप्पू, पप्पू, क्या हो गया रे तुझे, क्या हो गया रे, क्या हो गया रे पप्पू, कोई मदद करने वाला भी नहीं है पप्पू। उधर देखो, वाला भी नहीं है। मनु, अपने पड़ोस के वेंकटेश्वरी के घर में किसी के रोने की आवाज आ रही है, लगता है कुछ प्रॉब्लम है, चल देखते हैं। धीरे से। कोई मदद करो। आजा। पप्पू, कौन है? हम हैं जग्गू और मनु। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या हुआ है बहन? भैया, मेरे बच्चे को बहुत बुखार है, वो
मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे घर वाला भी फैक्ट्री के केस में गया है, अभी नहीं आया है। मेरे बच्चे की जान बचा लो भैया। बच्चे को हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे मेरे बच्चे को? तुम चिंता मत करो, हम अपनी जान की बाजी लगाकर इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इधर दो, चलो। ये लोग कहाँ गए? पता नहीं। जग्गू, जग्गू, मनु, जग्गू, तुमने कहा था ना, वैसे ही मेरे पापों का प्रायश्चित हो रहा है। जग्गू, ऐसा मत बोल मेरे यार, सब ठीक हो जाएगा। मनु, दोस्त, बच्चे, बच्चे, बच्चे की जान बचा, मेरी मेरी फिक्र मत कर। जग्गू, बच्चे की जान बचाने से मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगी। नहीं जग्गू, बच्चा, बच्चे को बचा ले। जग्गू, बच्चा, जग्गू, जग्गू, जग्गू। अच्छा तो जगपति किस वार्ड में है? इस वार्ड में सर। ए, कौन है तू? इधर क्यों सोया है? सर, मैं वार्ड बॉय हूँ सर। मुझे इधर सोने के लिए डॉक्टर मूर्ति ने कहा है सर। जगपति कहाँ है? मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है सर। मैं तो रात भर यहाँ ड्यूटी पे रहता हूँ सर। ऐसा करने के लिए मुझे डॉक्टर मूर्ति ने बोला है सर। डॉक्टर कहाँ है? घर पे है सर। सर, आप प्रदीप, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जगपति के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करने आया हूं। आप डॉक्टर हैं इसलिए इज्जत दे रहा हूं, नहीं तो तुमने किए अपराध के लिए तुम्हें अरेस्ट करके लॉकअप में पुलिसिया अंदाज में ले जाता। तुमसे सच भी उगलवा सकता हूं। मेरे दिल की दर्द भरी कहानी मैं किसी को बता नहीं चाहता हूं, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा सर। उस जगपति को सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है ऐसा सर्टिफाई करके उसे मेरे हिफाजत में रखा। यदि हर रात को उसे नहीं छोड़ा तो मेरी बीवी बच्चे को मारने की धमकी दी थी उसने सर। मैंने उसे ना कहा, उसका यह परिणाम है। मेरी इस भूल के लिए आप जो भी सजा दें वो मुझे मंजूर है सर। तुम्हें ये काम करने के लिए किसने कहा? एमएलए प्रशांत और संगमेश ने।
आप मुझे प्रोटेक्शन दें तो कोर्ट में हाजिर होकर गवाही दे सकता हूं सर। आपके हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मुझे आपका सहयोग चाहिए। प्रशांत जी के घर पर फोन लगाकर जगपति को ये इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं जगपति बोल रहा हूँ, क्या बात है? आपके हॉस्पिटल से गायब होने की खबर पुलिस को पता चल चुकी है सर। क्या? नो, ना मुमकिन। तुम मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो मूर्ति। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कल सुबह 7 बजे टीवी पर न्यूज में तुम्हारे बारे में अनाउंसमेंट आने वाला है। ये सब प्रशांत और संगमेश का षड्यंत्र है। खोर के बच्चे, मैं चाहता तो तुम्हें अभी नींद में मार सकता था, मगर कल सुबह टीवी न्यूज देखने के बाद ही आखिरी फैसला लूंगा। हेलो श्रीनिवास, मैं प्रदीप। जगपति घर से भाग गया है। तुम अभी जगपति की एक फोटो दूरदर्शन में भेज दो, वो कल के न्यूज में टेलीकास्ट होना चाहिए। हाँ, एक बात और, सुबह तक इस न्यूज को छिपा कर रखना। दिस इज अ सीक्रेट ऑपरेशन। मैं सुबह तक पहुंचूंगा। ओके सर। एक विशेष सूचना, इस छायाचित्र में नजर आ रही व्यक्ति कुख्यात बदमाश जगपति है। यह व्यक्ति कल रात मलाड की जेल से फरार हो गई। इसकी पहचान, उम्र 38 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 8 इंच, गेहुआ रंग। क्षेत्रों में हो रहे दंगों में भी उसका हाथ माना जा रहा है। यदि इस व्यक्ति के बारे में किसी को भी कोई जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचित करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने नागरिकों से विनती की है। मेरे बारे में पुलिस को जानकारी कैसे मिली? हमें पता नहीं। ए प्रशांत राव, तू रंगोली के नीचे घुसा तो मैं फ्लोरिंग के नीचे घुस के मारूंगा। तुम्हारी ये पुंगी ना, मेरे सामने मत बजाना। गुरु, आप हमें क्यों गलत समझ रहे हैं? मैं माँ की कसम खाता हूँ, मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अबे तुम साले गटर के कीड़े, माँ की कसम क्यों खाता है? मरने से पहले एक सच तो बोल के मर। नारायण राव को मैंने उड़ाया, मगर उसके सूत्रधार तुम हो। इसका गवाह सिर्फ मैं एक ही हूँ। मैं मर गया तो गवाही भी मेरे साथ मर जाएगी, आपकी ऐसी सोच है, पर यह गलत है। बट CM को मारने का तुम्हारा जो राज है, तुम्हारे पास छोड़कर जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। पहले दोनों को मारूंगा। तुम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। बोलो कौन मरेगा? Come on. मुझे क्यों मारो प्रशांत जी? मुझे माफ करना संज्ञा। मुझे मत मारो। Hey!
तुम्हारे जैसे कमीने राजनेताओं के साथ रहकर इतना तो सीख ही लिया है। We'll be right back.
नगर वासियों, कई दिनों से यहाँ कर्फ्यू लगा था, अब उसे वापस ले लिया गया है। मेरे सचिव, सहउद्योगी, पुलिस अधिकारीगण इस कर्फ्यू को आगे बढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, फिर भी हम आप सबकी मुश्किलों को ध्यान में रख के इस निर्णय पर पहुंचे हैं। नागरिकों, आप सबके सहयोग से, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, इस हादसे के गुनाहगार को सजा जरूर मिलेगी। कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी, इसका मुझे विश्वास है, भरोसा है। ये एक मानव निर्मित दुर्घटना है, इसमें जख्मी हुए, मारे गए लोग मासूम थे। देखिए, भूकंप, अकाल जैसी प्राकृतिक विपदाओं को रोकने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है, किंतु मानव निर्मित विपदाओं को तो हम रोक सकते हैं। वो न हो, ऐसी हम पूर्व योजना बना सकते हैं, मासूम लोगों की जान बचा सकते हैं। इन सब के पीछे जो कारण है वो है अफवाह। आप सब तन मन से ऐसी विपदाएं न हो ऐसी कोशिश करें। आगे कभी भी ऐसी मानव निर्मित आपत्तियां न आए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा एक महानिर्णय हमें लेना है। शांति सौहार्दता को बनाए रखना मुश्किल नहीं है, जनता जनार्दन का सहयोग चाहिए, तभी पुलिस को दुष्शक्तियों को खत्म करने में आसानी होगी। इन सब के बिना सुधार संभव नहीं है। मेरे प्यारे देश बंधुओं, सरकार हो या पुलिस हो, जनता के सहयोग के बिना कोई भी कानूनी व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। इसलिए पुलिस को अपना दोस्त समझ के उसे आपका सहयोग प्रदान करें। पुलिस ऐसे हादसों में निष्ठा से, संयम से, रात दिन मेहनत से काम करती है, तो भी इल्जाम से नहीं बचती। उनकी निस्वार्थ सेवा के बदले हम उनकी प्रशंसा न करें तो न करें, कम से कम उनकी बुराई तो न करें, यही हमारी पुलिस के प्रति सच्ची निष्ठा होगी। हमको कुछ नहीं हुआ है। हमारे देश में जब तक ऐसे निष्ठावान पुलिस अधिकारी रहेंगे, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। Well done, my boy. I am really proud of you. Thank you, sir. मैंने तो अपना फर्ज निभाया सर। एसीपी प्रदीप साहब की जय हो। एसीपी प्रदीप साहब की जय हो। 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 हाय भट्ट जी, टाटा। जंगराव की बेटी, तुम्हारा खेल खत्म हो गया रे। पहले जाके उसे ये खबर सुनाता हूँ। नमस्कार मंजू भाई। नमस्ते। टिकट दे दो भाई। भुजंग भाई, महालक्ष्मी बम्पर लीजिए। अच्छा, दे दो। भुजंग भैया, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? तुम्हें ये खबर पता है क्या? कौन सी खबर? तुम्हारी बेटी श्वेता, क्या हुआ उसे? वो लड़के राहुल के साथ स्कूटर में बैठ कर मुझे टाटा करके निकल गई भुजंग भाई। ये सच है क्या? ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा मंजू भाई। भट्ट जी, आपका तो मुंह मीठा कराना होगा, ये तो खुशी का समाचार है। मंजू भाई, आज लग गया मेरा बम्पर। भगवान, सब कुंवरियां ऐसे ही अपनी अपनी जोड़ी अपने आप चुन ले तो हम जैसे माँ बाप को आनंद ही आनंद है, संतोष ही संतोष है। मेरी बेटी ने लाखों बचा दिए मेरे।